Hi, I'm Archana Puran Singh and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. सबको हमरा हेलो बा और नमस्ते बा और सब कैसन बा सिद्धू साहब इलेक्शन में बिजी बा तो तोहार कुर्सी को कोनो खतरा ना बा अर्चना जी आपको पता आज मैं बाबा इतना क्यों कर रहा हूँ क्योंकि लैंग्वेज में भोजपुरी लैंग्वेज में मजा ही बड़ा है बहुत बड़ी प्यारी लैंग्वेज है बड़ी फनी लैंग्वेज है तो आज यहाँ पे बहुत सारी मस्ती और धमाल होने वाला है क्योंकि आज यहाँ आ रही हैं भोजपुरी सिनेमा की चार सुपरस्टार हस्तियां तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा भोजपुरी फिल्मों की हिट मशीन सिंगर एक्टर सुपरस्टार दिनेश लाल निरहुआ और साथ ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस आम्रपाली को जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वो क्या हाल है बहुत चंगा बा जोरदार तालियां हो जाए निरहुआ जी के लिए और आम्रपाली जी के लिए स्वागत है आपका वेलकम 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 सो निरहुआ और आम्रपाली जी की जोड़ी जो है ये सुपर हिट जोड़ी है भोजपुरी फिल्मों की ये साथ में लगभग मेरे ख्याल से बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं और मेरे ख्याल से जितनी भी फिल्में करी हैं ऑलमोस्ट फिल्मों में इन दोनों की लास्ट में शादी हो जाती है अनहैप्पी एंडिंग हाँ और अब तो हाल ये हो गया कि निरहुआ अब जब किसी और के साथ भी फिल्म कर रहे होते हैं तो वहां भी शूटिंग खत्म करके इनके घर पहुंच जाते हैं अच्छा निरहुआ आम्रपाली आप दोनों साथ में कितनी फिल्में कर चुके हैं आई थिंक हाँ 25 फिल्में वाओ पर इतनी फिल्में एक साथ इतनी जल्दी जल्दी कैसे कर लेते हैं आप पांच साल में ही किया पांच साल में 25 फिल्में क्या बात अक्षय पाजी सुन रहे हैं आप आप साल में चार करते हैं या पांच कर रहे हैं इसलिए अक्षय पाजी भी अभी भोजपुरी इसीलिए बनाना चाहते हैं अच्छा वाओ क्या बात है अच्छा निरहुआ और आम्रपाली तो यहाँ है ही अब वक्त है भोजपुरी सिनेमा की दो और बहुत ज्यादा पॉपुलर हस्तियों को यहाँ पे इनवाइट करने का सो प्लीज वेलकम दमदार धुआंधार और धमाकेदार सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और साथ ही 300 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी सुपरस्टार द वेरी ब्यूटीफुल रानी चटर्जी आइए वो नमस्कार कैसे आप क्या बात है तालियां रुकनी नहीं चाहिए जी आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत स्वागत है आपका रानी जी अच्छा खेसारी लाल जी आपके बारे में सुना आपका नाम पहले शत्रुघ्न था हाँ था लेकिन अब है नहीं तो ऐसे बदल क्यों लिया आपने मतलब क्यों हमने नहीं बदला अच्छा। किसने बदला फिर लोगों ने बदल दिया तो ऐसे क्यों मतलब क्यों बदल दिया हमको बीमारी है ज्यादा बोलने का अच्छा आप ही की तरह मैं भी बहुत ज्यादा बोलता हूँ अच्छा आपको मतलब मेरे को बीमारी है एक हमारे यहाँ खेसारी होता है वो खाने से पेट खराब होता है अच्छा दाल होती है मैंने इंग्लिश में क्या बोलेंगे लूज मोशन अच्छा तो वही एक दाल होता है अच्छा तो बिना खेती कहीं भी छीट दीजिए तो बराबर अन्न देता है वो अच्छा अच्छा तो हम कहीं भी रहते थे तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते थे अच्छा इसकी वजह से मैं पहले रामायण महाभारत गाता था तो झाल बजाता था 10 रुपये मिलते थे मुझे अच्छा जी तो 10 रुपये मिलते थे पूरी रात बजवाते थे सब तो मैं बीच बीच में बहुत बोलता था उसके वजह से मेरा नाम सब खेसरिया रख दिया तो तब से ठीक है क्या बात है ठीक ही रहना चाहिए अच्छा निरहुआ आपसे भी एक सवाल है जी हमने जैसे हवा सुना है जी वो देखो कितने खुश हो रहे हैं आप बहुत खुश है अच्छा हमने जैसे हवा सुना है पौवा सुना है महुआ सुना है निरहुआ का मतलब क्या होता है सर ये निरहुआ तो मान लीजिए आपने सुन लिया है जी बहुत लोग जो नहीं सुने हैं हाँ। जैसे मैं पहली बार शूटिंग कर रहा था अच्छा जी बलिया में और गाना करने के लिए एक मास्टर जी आए थे नेपाल से अच्छा जी तो डांस मास्टर जी ने पूरा बना लिया स्टेप बनाने के बाद बोले अब निहुरी जी को बुलाइए
तो मैं भी जहाँ खड़ा था वहाँ से ऐसे ही चल दिया, निहूर दी। ये मेरे साथ बहुत होता है। अभी दिल्ली में मैं गया था। अच्छा, तो वहाँ पे लोगों ने मेरा नाम दिया होगा कि ये आए हुए हैं, तो वो पहले पढ़े जिनको अनाउंस करना था। दिनेश लाल यादव निरहुआ। उनको लगा निरहुआ तो कुछ होता नहीं होगा, तो वो बोले तो हमारे बीच अब आ रहे हैं दिनेश लाल यादव नेहरुआ। लगभग मेरे साथ रोज ही होता है। पर निरहुआ जो नाम है आज एक एक इंसान के दिल में बसता है। रानी, आपका नाम भी रानी ही था कि मतलब फिल्मों में आने के बाद हुआ रानी आपका? नहीं, मेरा नाम भी चेंज है। अच्छा, सब बहुरूपी इकट्ठा हुए हैं। सर पहली ही फिल्म इन्होंने किया था मनोज भैया के साथ। अच्छा, ससुरा बड़ा पैसा वाला। ससुरा, अरे वाह, ससुरा बड़ा पैसा वाला। उस फिल्म की हीरोइन यही थी। वाह। और पहली फिल्म से ही इन्होंने यूपी बिहार पे राज किया। क्या बात। और इसलिए इनको रानी कहा गया। थैंक यू। अमरपाली, आपका नाम भी अमरपाली है? नहीं, मैं इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ, वो तीन लोग तो मुझे मिल गए। आप शुरू से अमरपाली थी? हाँ, मेरे घर वालों को शायद मेरे पैदा होते ही पता चल गया था कि हीरोइन ही बनेगी। अच्छा। तो पहले ही ऐसा डिफिकल्ट नाम रख दिया मेरा। अच्छा। अलग सा नाम आम्रपाली, जिसे स्कूल में सब पता नहीं क्या क्या बुलाते थे, आम वाली एंड ऑल ऑफ दैट। अभी अभी इनका एक नया नाम भी पड़ा है। क्या? अभी हम लोग फिल्म किए जिगर वाला। जिगर वाला, तो जिगर वाला में ये हैदराबाद से आती है पटना में। अच्छा। और वहाँ की लड़कियों को लेके छुप के बीड़ी पीती हैं। अच्छा, तो यूपी बिहार ने इनका नाम रख दिया धूम्रपाली। आइए, आप तो इतनी मजेदार बातें करते हैं, आज सारी रात बातें करेंगे। आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको पता है निरुआ जी, यहाँ पे मुंबई से हमारे बहुत सारे भाई जो है जो रिक्शा चालक है यहाँ पे आज आपके लिए आए हैं। सो बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा खेसारी जी, आपके बारे में सुना हम, आप जब स्टार नहीं थे तो उससे पहले आप लिट्टी चोखा बेचते थे? उससे पहले हम दूध बेचते थे। भैंस के। भैंस का। यार बड़ी स्ट्रगल वाली कहानी है, मतलब खुशी होती मन को कि आपने कहां से उठ के शुरुआत करी और आज आप सुपरस्टार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के। तो कैसे खेसारी जी, कैसे शुरू हुआ फिर? तो मैं बहुत छोटा था तो रबड़ वाला पैंट पहनता था। हमारी अंग्रेजी थोड़ा हैवी है इसलिए सॉरी। तो फिर तो मैं जैसे एक लीटर दूध लेके जाता था तो उसमें दो पौवा पानी मिलाता था। मिलावट वाला दूध बेचते थे? नहीं, बात तो नहीं था, 10 रुपया मुझे भी तो चुराना था। कैसे 10 रुपए क्यों चुराते थे? मतलब 10 रुपए मेरे लिए उस वक्त बहुत थे। अच्छा। तो 10 रुपए मिलता था तो भादो के मेला में जाता था। अच्छा। और जिलेबी खाता था। अच्छा। और फोफिया मिठाई खाता था। इनका पाजी वो जो दूध में पानी मिलाने वाला था, हाँ, उसमें एक कमाल का किस्सा था। एक बार ये पानी घर से मिलाना भूल गए। अच्छा। रास्ते में इनको याद आया। अच्छा। चाहिए। पानी तो मिलाया नहीं। अच्छा। अब क्या करूं, अब जो दूध का डब्बा था तो एक हम लोग के गांव में पोखरा होता है जैसे तालाब। अच्छा जी। हाँ। वहाँ साइकिल खड़ा किए, अपना डब्बा खोले और पोखरा में इधर उधर देख के डब 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 भर लिए, भर के उसको बंद करके पहुंच गए बाजार में। सुबह सुबह एक औरत निकली, बोली अरे खेसारी जी थोड़ा 2 रुपये का दूध दीजिए। अब ये जैसे ही दूध देने गए तो उसमें छोटी सी एक मेंढक का बच्चा कूद गया। वो जैसे मेंढक का बच्चा कूदा, हाँ, वो जो है दूध फेंक के भागे, क्या कर रहे हो ये, कैसा दूध है, इसमें से मेंढक का बच्चा कूद रहा है। तो ये बोले कि 2 रुपए का दूध लोगी, मेंढक का बच्चा नहीं तो हाथी का बच्चा कूदेगा। मैं एक्चुअली मैं भेज वालों के लिए दूध दे रहा था, नॉन भेज वालों के लिए मेढक लेके गया था। निरहुआ, हमने आपके बारे में सुना कि बचपन में निरहुआ को फिल्में देखने का इतना शौक था कि उनके पिताजी सो रहे होते तो उनके ऊपर चद्दर डाल के रात को फिल्म देखने चले जाते। सही बात है? जी जी बिल्कुल। यूपी बिहार में रात को कौन सी फिल्म देखने जाते थे आप?
बताना पड़ेगा। बताइए सर क्या होता था जी कि गांव में कहीं बारात आई है। अच्छा तो पहले वहाँ ना वीडियो चलता था। हाँ कैसेट वो VCR में। हाँ जी तो हम लोगों को पता चल जाता था कि यहाँ बारात आई है तो कोई ना कोई फिल्म आई होगी। अच्छा तो हम लोग तैयारी करते थे और देखते थे घर वाले जो है सो गए। अच्छा तो हम जहाँ सोए हैं वहाँ तकिया रख के उसके ऊपर चद्दर वद्दर ओढ़ा के और निकल लेते थे। अच्छा और फिल्म देख के सुबह आके हम लोग सो गए और पिताजी सुबह सुबह उठे बोले उठ जाओ कब तक सो रहा है। उनको मालूम नहीं अभी आके सोया है। अच्छा और चूंकि पिताजी के साथ हम लोग अकेले रहते थे। अच्छा जी तो पिताजी ने दाल वाल चढ़ा दिया और सब मसाला वसाला डाल दिया और उन्होंने कहा कि इसको ना पक जाए तो उतार देना। तो हम भी नींद में सही बोल रहे हैं हाँ उतार देंगे। वो अपना चले गए खेतों में काम करने के लिए और जब वो लौट के आए तो हम तो सोए हैं दाल जल के एकदम राख हो चुकी है। अच्छा उसके बाद पिताजी मोटा सा डंडा उठाते थे और दौड़ाना शुरू करते थे और कहते थे कि रतिया भर तो मीना कुमारी क्या रला। इसका मतलब क्या बताइए जरा क्या? उनका कहना यह था कि रात भर तो तुम मीना कुमारी के साथ थे ये दाल अब कहां से हम खाएं। अच्छा आम्रपाली ने जैसे मैंने बताया कि इन्होंने इनके साथ बहुत फिल्में की और खेसरी जी के साथ आपने एक ही फिल्म करी है ना। हाँ उसमें भी एक स्पेशल सॉन्ग किया है। बस गाना इन्होंने किया था मर्द अमर बच्चा बा बच्चा है मर्द अभी बच्चा छोटा है अभी बच्चा है। अच्छा ऐसे क्यों मतलब उनके साथ 25 फिल्में उनकी एक भी नहीं पूरी करी तो एक दूसरे को प्रमोट ऐसा तो नहीं है एक दूसरे को प्रमोट करते हैं आपको फिल्म मिलती तो आप इनका नाम ले देते इनको तो एक दूसरे कमीशन तो नहीं मिलती आपको हैं। अब से कमीशन लूंगी मैं। आइडिया दे दिया मैंने आपको। हाँ आपने आइडिया दिया अभी आप मेरे को आइडिया की कमीशन देना ना। नहीं नहीं सर अगर आपको आइडिया का कमीशन चाहिए तो मैं ये कहूंगा कि आप भी एक भोजपुरी फिल्म कर लीजिए। सर मेरे को करवा दो प्लीज। मैं मेरे को कोई ऑफर ही नहीं की करने की। हम लोग चाहते हैं कि आप आ जाइए एक फिल्म में जरूर आप रहिए मैं रहूं खेसारी जी रहे और दो हीरोइन रहे। अब हम तीनों में डिसाइड होगा कि कौन दो हीरोइन लेगा और कौन जाएगा। आप पुराने ये बंदे पुराने पापी ये ले जाएंगे। हाँ, फिर नहीं तो हम आपको ट्रिक सिखाएंगे ना सर। वो तो पहली फिल्म में तो मैं सीखते रह जाऊंगा ना आपके ले जाएंगे। अभी सिखा देते हैं ना सर। अच्छा जी, तो ऐसे कैसे मतलब डिपेंड करता जैसे मान लीजिए ये हीरोइन है मान क्या लूंगा ये आने वाली फिल्म की आने वाली फिल्म की और ये आपसे लिफ्ट मांगेंगी। ओ गॉड ओ गॉड आइए सर आपसे ये लिफ्ट मांग रही हैं। चलिए और आप इग्नोर कर रहे हैं मुझे। मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ जी ये कहानी गलत है। अब इतनी दूर आए अंधेरी तक छोड़ दीजिए। क्या बात है यार क्या बात है मजा आ गया। उतरना उतरना अरे चढ़ी तो बड़ा ऐसे उछल के थी उतरने में टाइम लग रहा। आइए मैं लेके जाता हूँ। मुझे एक्सपीरियंस है सर। अगर भोजपुरी फिल्म में काम करना है इग्नोर नहीं करो मतलब जो लिफ्ट मांगे बस दे दो लिफ्ट दे दो जी। लेकिन हर आदमी को लिफ्ट मत दीजिएगा। अच्छा यार कितना कितना मतलब कितना मीनिंगफुल गाना है। उसके राइटर भी आए यहाँ पे। अच्छा कौन है? श्याम जाती जी इधर। इनका वीडियो वायरल हुआ था आई। और आजाद सिंह। क्या हाल है जी? मतलब ये लोग सब बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। धोखा खाए हुए लोग बहुत धोखा खाए हुए हैं। कभी कभी मार भी खा जाते हैं ये लोग। अच्छा इनका ही लिखा हुआ था। अच्छा एकदम चलिए ओके थैंक यू बेटा अभी आइए प्लीज। आपको मैं बता दूं रानी जो है इनके नाम पे बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी जो इनके नाम पे हैं जैसे रानी नंबर 786 रौडी रानी फिर रानी बनन ज्वाला। तो रानी जब प्रोड्यूसर आपका ओरिजिनल नाम यूज करते हैं एक तो आपको हिरन लेते हैं उसका पैसा तो अलग है तो आप बोलती नहीं कि मेरा ओरिजिनल नाम यूज कर रहे हो तो मेरे को इसका पैसा अलग दो ऐसा होता है? एक्चुअली इनका ही मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली जब फिल्म कर रही होती हूँ तब होता है प्रोडक्शन नंबर 1 प्रोडक्शन नंबर 2 इस अच्छा जब मैं शूटिंग पर होती हूँ नाम बाद में डिसाइड होता है। अचानक से फिर आता है रानी जी पता है टाइटल क्या रखे हैं? क्या रखे हैं? क्या रखे हैं? रानी 786 मैं ये क्यों रखे कोई मिल नहीं
रहा था ना आपके नाम के साथ। अच्छा बढ़िया है, आप एकदम जमा दीजिएगा। क्या बात है। रानी बनल ज्वाला में मेरा कैरेक्टर का नाम ज्योति है। अच्छा। पूरी फिल्म की शूट मैंने की ज्योति ज्योति ज्योति, टाइटल ट्रैक भी था उसमें ज्योति बनल ज्वाला समथिंग। अच्छा। जब फिल्म का मैंने पहला न्यूज देखा वो रानी बनल ज्वाला था, मैंने प्रोड्यूसर को कॉल किया, सर फिल्म में तो ज्योति है, उससे क्या फर्क पड़ता है। उसने लिखा ना रानी बनल ज्वाला। हाँ, मैंने कहा सर टाइटल ट्रैक भी है, मेरी एंट्री ज्योति बनल ज्वाला से हो रही है, उसे क्या फर्क पड़ता है, रानी है, सबको पता है ना रानी ही है वो। क्या बात है यार, ये हुई ना स्टारडम। जैसे निरहुआ ने जो फिल्म बनाई निरहुआ रिक्शा वाला, वो इतनी पॉपुलर हुई, बच्चन साहब ने भी एक टाइम पे कुली और मर्द जैसी फिल्में बना के मासिस का दिल जीत लिया था, तो निरहुआ जी ने ये जो फिल्म बनाई निरहुआ रिक्शा वाला, इसी फिल्म से उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया था। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, कोई भी आप में से हाथ खड़ा करके बोल सकता है कि आपके ऑटो में जब कोई लड़का लड़की खूबसूरत बैठते हैं वो अपना जो भी उनका नहीं, वो एक होता है कि चलिए दुनिया में प्रेम जितना बढ़े उतना अच्छा है, तो कहते हैं कि आपका ध्यान सामने सिग्नल से ज्यादा पीछे जो साइड मिरर लगा होता है उसमें रहता है। कोई जवाब देगा जी, माइक ले लीजिए। आपका नाम क्या है जी? राजेश यादव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर ये इलाहाबाद से। इलाहाबाद से जी सर। अच्छा, मजा आ रहा है आज आपके आपके चहेते स्टार्स हैं यहाँ पे। सर दिनेश लाल यादव देखने की बड़ी इच्छा थी सर, आज अचानक से मैं यहाँ आ गया। वाह, अपने दोस्तों के साथ। अच्छा, तो राजेश जी ऐसा क्यों करते हैं आप? सर ये सबके लिए जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, पर आप नहीं देखते हैं कभी? सर ऐसा नहीं, हमारा काम है गाड़ी चलाना सर। वेरी गुड। हाँ नहीं, आपका तो है, बड़ी अच्छी बात है। नहीं आप तो अपनी गाड़ी चला रहे हैं लेकिन पीछे जो अपनी गाड़ी चला रहा है तो आप नहीं देखते, ये आपकी ईमानदारी, आप ऐसा बोल रहे हैं। और कोई मेरा दोस्त जो सच्चे दिल से माने कि हाँ यार, जैसे खेसारी लाल जी ने बोला कि मैं पानी मिलाता था, भाई मिलाते थे, मैं कहता हूँ अभी छोड़ दिया हो लेकिन पहले जो देखता हो, ऐसा कोई है हाथ खड़ा करे? मैं बताता हूँ सर। हाँ जी, ये अभी नहीं बता रहे हैं लोग, लेकिन ये तब तक नहीं देखते हैं जब तक वो लड़की के साथ में जो बैठा है हाँ, वो उतर नहीं जाता है तब तक नहीं देखते हैं। अच्छा। और पता चला रोक दो भैया, इन्होंने रोक दिया, वो उतर गया, बाय स्वीटी सी यू और करके चले गए। और जब लड़की को जहाँ पे छोड़ना है हाँ, कह दिया भैया इनको अंधेरी छोड़ देना। अच्छा। अंधेरी जैसे लड़की उतरेगी और लड़की ने पूछा भैया कितना हुआ किराया, फिर इनका जो जवाब आता है वो भाई साहब एक खड़े हुए। जी जी, आप कुछ कहना चाहते? हाँ सर, ये कहना चाहता हूँ मैं। क्या? कोई अपनी बुराई नहीं बताता है। हाँ। देख लेते हैं हाँ। साइड में कोई लेके जाता है देख लेते हैं, अपने में बैठा रहते हैं उसको नहीं देखते। ठीक है, अच्छी बात है, वो भी एक एंटरटेनमेंट का साधन है। अच्छा, कभी आप सब में ऐसे ऐसे सवाल है, जैसे हम लोग न्यूज में सुनते हैं कि एक बार कटरीना और सलमान बैठ के ऑटो में चले गए, ऐसे ही कभी घर से निकले और ट्रैफिक था, आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसी के साथ, कोई सेलिब्रिटी आके आपके से बैठ गया हो, है आपके साथ हुआ है? जी माइक। मेरा नाम तो नहीं लेगा। अजय नाम है मेरा। अच्छा जी। मैं बिहार से हूँ। अच्छा जी, पेट क्यों, क्या हो रहा है? नहीं, <क्या? laughs> अरे मुझे लगा कह रहा था मैं बिहार से और मैं पेट से भी हूँ। तो अजय, आपके कौन कौन सेलिब्रिटी बैठा? मैं वर्सावा में, वो कौन सा हरी रोड है। हाँ जी हाँ जी, वहाँ पे मैंने एक घंटा खड़ा रहा, मुझे कोई पैसेंजर मिला नहीं। अच्छा जी। तो फिर मैंने वहाँ से रिक्शा निकाला, मैं सोचा आगे जाता हूँ, आगे कोई मिल जाए। अच्छा जी। तो जैसे आगे आया ना तो एक बिल्डिंग से अंदर आ रहे थे सर, वो कोई मिलन में काम करते हैं। अच्छा, विलन थे कोई? हाँ, मैंने फोटो निकाला था उनके साथ, तो उन्होंने आवाज दिया, मैंने रोका, फिर बोले जो गोरेगांव फिल्म सिटी जाना। अच्छा जी। बोला ठीक है सर, बोले मालूम है क्या? मैं बोला हाँ मालूम है। फिर उधर से मैं उनको देखते हुए आ रहा हूँ, बार बार मैंने उनको कांच में देख रहा हूँ पीछे। अच्छा जी। मैंने गोरेगांव चेक न कराया, जब भी मैं उनको पूछा तो सर मैंने आपको कहीं देखा हूँ। फिर बोले ऐसा है क्या, देखे हो? मैं बोला हाँ सर। तो मैंने उनको बोला सर मैं आपके साथ एक फोटो खींच सकता हूँ? बोला हाँ खींच लो। फिर साथ में जो है उन्होंने फोटो निकाला, फिर थैंक यू बोला, सर पैसा दिए, फिर मैं उधर से आ गया। कौन थे वो? नाम नहीं याद है, मैंने फोटो निकाला।
लेकिन कपिल जब तुमने फोटो तो खींची ना उनके साथ, तो बाद में फोटो दिखाई होगी, किसी ने तो पहचाना होगा ये कौन है। मैंने ऐसे फोटो दिखाया आप, लेकिन किसी ने नहीं पहचाना। नहीं, रूम पे जो है फोटो दिखाया तो सबने पहचाना, लेकिन नाम किसी को पता ही नहीं। ये सही है, ये सही है। ये सही था। हाँ, कितना फेमस होगा वो आदमी। मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाता हूँ जो ऑटो के पीछे ना आपने देखा, ऑटो रिक्शा के पीछे बड़ी मस्त शायरी रहती है। हाँ, हाँ। बड़ी सारी चीजें रहती है, मैं दिखाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, दिखाइए जरा। ये जो लिखा हुआ है घूम फिर के बाद वही आ गई है, नो स्मोकिंग नो किसिंग। नो किसिंग, स्मोकिंग का तो समझ में आता है कि होनी भी नहीं चाहिए हर जगह। नो किसिंग लिख के किसी ने, कोई बहुत तंग होगा शायद। और भी आगे आगे दिखाइए। गूंगे बादशाह बुलबुल का बच्चा, जय भोलेनाथ की चिंता किस बात की। वाह वाह, ये तो बड़ा मजेदार अच्छी चीज है। और दिखाइए, टू फास्ट टू फ्यूर्स। वाह, जिन भी भाई साहब का ऑटो है, कमाल की इनोवेटिव सोच है आपकी। सो स्वीट यार, हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पे आए, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है आपका, और खुश रहिए आप हमेशा, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू। देखो जरा कौन आया। अरे यार खोलो, देखो कौन आया। बाप रे, एक मिनट सर, इसको जरा पाक कर देते हैं। लीजिए, आपके लिए तैयार होके आई है यार। आज तो मजा आ गया, टकाटक माहौल बन गया, चकाचक। अम्रपाली और रानी जी को देख के दिल धड़क रहा है धका धक। ताली बजाओ फका फक। ओहो यार, अपने यूपी बिहार के सुपरस्टार्स को देख के दिल खुश हो गया यार। यार आपके लिए हम कुछ लाए हैं। लीजिए, आपके लिए माला है सर, पहने ने पहने। अरे वाह सर, आपके लिए भी माला है ये। वाह, ये क्या है। अब सर एक खाली रिक्वेस्ट है, यहाँ से बाहर जाके लोगों से कह दीजिएगा कि बच्चा यादव ने आपको माला माल कर दिया। अरे लेडीज, आपके लिए भी हम लाए। लेडीज आपके लिए, देखिए हम यहाँ पान लाए हैं। अरे वाह, साथ में जल लाए हैं। बाहर जाके लोगों से कहिएगा बच्चा यादव ने आपको जल पान करा दिया। मजा आता है यार, ऐसा बात है, मजा करो है कि नहीं। बच्चा आज क्या बात, भोजपुरी पूरा स्टार लग रहा है ये भी। आज कभी भोजपुरी बोल रहा है, पूरा माहौल भोजपुरी हुआ पड़ा है, क्या करें यार। आपको सर सच्चाई बताएं, थोड़ी देर पहले यहाँ पीछे हम वड़ा पाव खा रहे थे, उसमें भी लिट्टी चोखा का टेस्ट आ रहा है हमको। आज सामने अर्चना जी बैठी है, ऐसे लग रहा है कि रवि किशन सलवार सूट पहन के बैठे। नहीं, थोड़ी देर पहले अभी हम इनसे मिले पीछे, हमने पूछा कि कैसा लग रहा है अब शो में, अच्छा मजा आ रहा है, तो कह रहे हैं जिंदगी झंडबा फिर भी बोल रही थी। वैसे सर आप लोगों के लिए एक और चीज लाए हैं, देना भूल गए हम ये। क्या है, क्या है? किला, किला सर, दीवार में ठोकते ना, एक किला आपके लिए है। किला क्यों दे रहा है ये? लीजिए, एक किला आपके लिए है। किला क्यों दे रहा है? नहीं, दिनेश लाल जी पहले हैं ये, एक केसारी लाल जी हैं, तो लाल तो ये पहले से है, किला दे दिया, अब इनके पास लाल किला है। बच्चा तू ठीक है? क्या हुआ तेरे को? क्या हुआ? हाँ, निरहुआ। Ha ha ha!
Oh my God. वैसे अमरपाली जी, आपसे एक बात पूछना था. जी. लोग देखिए डॉग पालते हैं, कैट पालते हैं. पहला इंसान हमने देखा आम पाला है इन्होंने, आम्रपाली. आम्रपाली. वैसे कौन सा आम पाला है आपने? मतलब हापुस है कि दशहरी है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि हमारे पास अपना एक लंगड़ा आम है, उसको भी आप ही पाल लीजिए. यार इट इज फीलिंग लोनली. हेलो. बच्चा खुद आप बगीचे जैसा फैले हुए हैं और लोनली फील करते हैं? यार हम बगीचे जैसे फैले हैं कि रायते के जैसे फैले हैं, व्हाट योर मैटर यार. देखिए आप सारी हीरोइंस के साथ फ्लर्ट करते हैं, कीजिए. हाँ. लेकिन रानी जी के साथ मत कीजिएगा. क्यों? क्योंकि रानी जी के साथ ये कवर भी आएगा. यू नो कैरम, रानी के साथ कवर आता है. यू नो कैरम, कवर के बिना नो रानी. नो रानी. तू बड़ा रानी से फ्रैंक हो रहा है. तो होंगे यार, एक ही इंडस्ट्री में रहने के बाद भी हमारा कोई ईगो क्लास ही नहीं है. पूछे क्यों? क्यों लाइफ में पहली बार मिले यार, कहां से ईगो क्लास. आते ही भोजपुरी बोल रहा था बच्चा, अभी तो इंग्लिश बोल रहा है. बड़ा तो मिक्स कर रहा है आज इंग्लिश. अरे बचपन से यार भोजपुरी इंग्लिश हम और निरहुआ भैया, याद है? याद है. कैसे ऐसे हम अंग्रेजी और भोजपुरी को मिक्स करके चलते हैं. लाइक हाउ आर यू बा, हाउ आर यू बा, व्हाट आर यू डूइंग बा, ईटिंग बा और नॉट ईटिंग बा. ज्यादा बोले तो कॉलर पकड़ के पीटिंग बा. हमारा और निरहुआ भैया का चलता है ऐसे बचपन से. तुम निरहुआ को बचपन से जानते हो? अरे हाँ यार, हम साथ में भैंसिया चराते थे. और आज देखिए हम इतने बड़े तबेले के मालिक बन गए और ये अभी भी दूसरे लोगों के लिए एक्टिंग कर रहे हैं. बच्चा तू बड़े गॉसिप कर रहा है, कहीं भौजी ना बन जाना तू. कप्पू शर्मा यार कुछ भी बोल लो, भौजी के बारे में कुछ मत कहना. क्यों? क्योंकि दुनिया जानती है यार कि करेले की कलौजी और बिहार की भौजी का कोई तोड़ नहीं. हमारे इंडस्ट्री में इतना रिस्पेक्ट मिलता है यार भौजी को कि पूरा इंडस्ट्री का नाम ही उन पे रख दिया है, भौजीवुड. अबे भौजीवुड नहीं, भोजवुड. एक बार जोरदार तालियां बनती है यार भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए. लेकिन सर आप लोग जैसे अपना करियर में ग्रोथ किया है ना, देख के हमको बड़ा खुशी होता है. मतलब पहले आपने भैंसिया चराई, फिर फिल्मों में भौजी पटाई, फिर रिमोट से लहंगा उठाया, फिर पार्टी का टिकट पाया, फिर इलेक्शन में हुए खड़े. वेरी नाइस, देख के इतना अच्छा लगता है. हम बहुत इंस्पायर्ड हैं सर. अच्छा. हम ना आप लोगों को लेके अपना खुद का एक फिल्म बनाना चाहते हैं. कौन सी फिल्म? टाइटल क्या होगा? देखिए टाइटल फिल्म का रहेगा भौजी मारे तुक्का भैया पिए हुक्का. या फिर एक दूसरा टाइटल भी रेडी है हमारे पास, भैया गए पगला भौजी लेगी बदला. ये तो मैं करूंगी. भौजी ले हल बदला. फिल्म का सर हमने एक्चुअली एक सीन भी लिखा हुआ है, आप कहें तो बता दें. अरे बताइए. देखिए फिल्म का शुरुआत होता है तो तुरंत होता है इंटरवल. क्यों? इंटरवल मतलब शुरू होता है इंटरवल क्यों? अरे बदला के ऊपर पिक्चर बनाया है तो सेकंड हाफ में ही तो बदला होता है. फर्स्ट हाफ में क्यों बदला ले रहे हो अपने मन से सोच लो यार, कितना कौन सोचेगा. हम उतना ही बनाए हैं. तो फिल्म शुरू होता है सर, एक किसी बहुत अमीर आदमी का बहुत बड़ा घर है, बहुत सारा सिक्योरिटी इधर उधर. सुबह का टाइम है, पौ फटता है. पौ तुम्हारा है? तो सुबह का टाइम है, हीरो का एंट्री हो रहा है. अब हीरो आया, टिंग 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 टिंग, दूध ले लो. तो तेरा हीरो दूध वाला है? खुद का दूध का काम और हीरो भी दूध का. यार कम से कम कार पे एंट्री करा ना. कार पे करा देते हैं, ऐसा क्या बड़ा बात है उसमें यार. अब जो गुंडे लोग हैं हीरोइन को छेड़ रहे हैं, नया एंट्री दे रहे हैं हम लोग. ठीक है, गुंडे हैं हीरोइन को छेड़ रहे हैं. हाँ. तो अपना हीरो कार में आ रहा है, उसका कार चल रहा है. अच्छा. चल रहा चल रहा चल रहा, कार रुक जाता है. क्यों? क्योंकि कार में हीरो ने पेट्रोल की जगह दूध डाल दिया है. दूध वाला है ना यार. मतलब आप दूध के अलावा और कुछ नहीं सोच सकते. आप कहीं उस हीरो, यही हीरो की तो बात नहीं कर रहे हैं. अरे यार, ये है दूध वाले. चलता है यार, छोड़ो. एक काम करते हैं, हीरो के साथ फिल्म क्यों शुरू करना, हीरोइन के साथ कर दे फिल्म शुरू, इफ यू डोंट माइंड. ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा. अब कुछ इंटरेस्ट आ रहा है.
तो जो है अब हम फिल्म शुरू करते हैं. हीरोइन है अच्छा स्विमिंग पूल में नहा रही. अच्छा अब वो नहा रही नहा रही है आगे. अरे नहाने दो ना यार, मेहमानों को मजा आ रहा है यार, आपको क्या प्रॉब्लम. नाने भी नहीं देते यार, डिस्टर्बिंग आदमी. बच्चा क्या तू फालतू की बात कर, जोक सुना ना मेहमानों को. अच्छा चलो जोक सुना मेहमानों को. तो एक जोक पेश करते हैं. कपू शर्मा, सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करना चाहिए? उंगली टेढ़ी करनी चाहिए. नहीं, वो थोड़ा घी गरम कर लो यार, इतना क्या सोते हो उंगली करने. क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह. अरे वाह बच्चा, छा गया. एक और सर, एक और पेश करना चाहेंगे हम. ना लोहे में से पानी निकाल सकते हैं, पूछिए कैसे? कैसे? हैंड पंप से यार, लोहे का पानी तो. अरे अभी हमें जाना होगा. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा मजा. मिस यू, मिस यू, मिस यू. चलिए फिर से आए. अच्छा भोजपुरी फिल्मों के सबने देखा होगा, टाइटल जो होते हैं बड़े ही मनोरंजक होते हैं. आज क्योंकि आप सब लोग हिंदी फिल्में भी देखते हैं, आप इंग्लिश फिल्में भी देखते हैं, तो आप सबको मैं कुछ टाइटल देता हूं कि अगर हॉलीवुड की कुछ फिल्में भोजपुरी में बनती तो उनके टाइटल के मतलब क्या होते. एक फिल्म है कैच मी इफ यू कैन. पकड़ सकले पकड़ ले, नहीं तो मर जीवे. गेट रिच और ट्राई डाइंग. अमीर बन जो ना तो ट्राई करत करत मर जाइबा. ट्राई करत करत मर जाइबा. ओके बेबीज डे आउट. बुचिया बाहर गई ले. बाहर गई ना बबुनी. बाहर गई बबुनी. बाहर गई बिया. द एवेंजर्स अगर बने तो. द एवेंजर्स. एवेंजर्स दुनिया गई पगला के ले बदला. एक धुआंधार लड़ाई. एवेंजर बा. ओके क्लैश ऑफ द टाइटंस. चुड़ुक्कन की लड़ाई. चुड़ुक्कन. अच्छा वो लगाई लू लाल लिपस्टिक वाले, उनको भी लेके आना चाहिए था आपको यार. मैंने वो गाना बड़ा सुना, मुझे पहले लगता था ये आपका गाना है. वो आने वाले थे. अच्छा बात हुई उनसे, मैंने पूछा कि आप आ रहे हो क्या? हम लोग अच्छा. आ रहे हैं. तो पूछे कि खेसारी जी आ रहे हैं? बोले हाँ आ रहे हैं. बोले हम नहीं आएंगे. ऐसे क्यों? वो सेम है जैसा वो जब मनोज भैया आते हैं. हाँ तो रवि भैया पता करते हैं मनोज जी आ रहे हैं. हाँ मैं नहीं आऊंगा. बोले हाँ तो हम नहीं आ रहे हैं. ऐसे क्यों? इतना याराना है, बहुत प्यार है. वही फिल्म जो हम लोग शूट कर रहे थे, गंगा जमुना सरस्वती. उसका किस्से तो कितने हैं आपके पास? बहुत सारे सर, रोज किस्सा ही होता था जी. सर पहली भोजपुरी फिल्म थी. नॉर्मली हम लोग 30 दिन में बना लेते हैं, 30 से 35 दिन. अच्छा जी. वो पहली भोजपुरी फिल्म थी जो 6 साल तक बनी. 6 साल क्यों? क्योंकि रोज किस्सा ही होता था, शूटिंग कम होती थी. अच्छा. अब जैसे एक दिन एक सीन था, उसमें मैं भी था, रवि भैया थे, मनोज भैया थे. सीन होने के बाद आके मॉनिटर पे देख रहे थे हम लोग, तो मनोज भैया बोले क्या है तू जब उधर से आता है तो मैं ना इधर से तेरे को थोड़ा धक्का दूंगा. अच्छा. रवि भैया बोले एक मिनट, मैंने बाबू तुमको कभी कहा कि तुम तार सप्तक में गाओ, खड़ज में गाओ? नहीं कहा ना. मेरे को एक्टिंग मत सिखाना, नहीं तो मैं अभी गोली मार के मर जाऊंगा. तो वो दोनों के बीच में तो चलता ही है. जैसे इनके वजह से वो क्यों नहीं आते हैं? अच्छा फंस के. पवन जी एक बार दिल्ली में एक किसी होटल में शूटिंग करके बैठे थे और खेसारी जी गए थे दिल्ली. इनको पता चला कि वो भी वहीं पे हैं. अच्छा. खेसारी जी गए अपना, दोनों लोग मिले और अचानक इनका कुछ प्लान रहा होगा, इन्होंने काफी प्लान बनाते भी रहते हैं. अच्छा. तो इनका कुछ ऐसा प्लान रहा होगा, उन्होंने कहा कि भैया ये जो होटल बा ना, ऐसने होटल हमें को बनावा था नहीं, लेकिन पानी के बीच में. अच्छा. और कट टू वहां से पवन जी उठ गए. अब एक शब्द बोलना ना, खिड़की खोल के बेटा कूद के मर जाए.
और सबके पता बा कि कमरा में तू ही रहला फंस जेबा तो ये बोले कि अरे भैया सुनी ना मतलब अरे अभी प्लान चला था फिर बोल रहा तू खुद ही कहा खुद ही अच्छा बोले नहीं भैया नहीं बोलेंगे आइए यही सबसे वो ना वो अच्छा। बोलते हैं कि जब ये सब मैं सुनता हूँ तो बोलते हैं कि मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ मैं पहले नहीं बोलता था अब कभी कभी रवि जी को देखता हूँ तो बोलता हूँ ऐसे क्यों रवि जी को देखकर क्यों ऐसे क्यों क्योंकि मैं पहली बार मेरी एक साजन चले ससुराल आलोक भैया है प्रिमांशु जी लो पहली मेरी सिनेमा रिलीज हुई थी हम दो साल बाद मॉरिशस गए थे सब लोग थे साथ में ओ गॉड तो मैं अकेला था तो मैं बैठा था तो रवि जी आए बनियान पहने हुए थे हाँ बताइए बड़ा सा शीशा था मैं यहाँ बैठा हूँ डायरेक्ट बाथरूम से निकले मैं मुझे ऐसा लगा जी रवि जी को कोई भूत प्रेत से मिल गया बाबा नाचेगा बाबा नाचेगा बाबा नाचेगा मुझे लगा भाड़ हट हट अकेला रूम में एक बच्चा सा आदमी और मैं डर गया मेरी हालत खराब हो गई कि इनको क्या हो गया लग रहा है जी रवि भैया को कुछ भूत पकड़ लिया है मैं बात बाहर गया मैं इनसे बोला भैया रवि भैया का तबीयत ठीक नहीं है तो ये मुझे बताया कि बेटा उसी तरह करते है उनका एक स्टाइल है स्टाइल है फिल्म आई थी गब्बर से अच्छा जी और गब्बर सिंह का प्रीमियर था तो मुझे भी बोले बेटा आ जाओ प्रीमियर में तो मैं और मेरा भाई प्रवेश अच्छा। यहाँ पे आए हैं बैठे हैं हम लोग दोनों लोग गए प्रीमियर में गाड़ी वाड़ी खड़ा किए तो रवि भैया जहाँ खड़े थे वहाँ कम से कम 10-15 बाउंसर खड़े थे अच्छा तो मैं गया उनका पैर छूने के लिए मैं सोचा जाके पैर छू लेता हूँ और वहाँ रवि भैया हैं मैं अभी यहीं तक आया था तब तक जो बाउंसर थे वो मुझे उठा लिए उठा के इधर खड़ा कर दिया चल कहाँ इधर कहाँ फिर हम लोग इधर खड़े हो गए यार पैर भी नहीं छुपाए फिर हम सोच वहाँ खड़े थे थोड़ी देर कि भैया अगर देखेंगे इधर तो जाके पैर छू लेंगे तो भैया तो ऐसे ही थे देख नहीं रहे यार महादेव बाबू एकदम फाड़ दे चीर दे बाबू बाबू अरे सरवा लगा रे फिर हम लोग इंटरवल में मिले अरे बाबू तुम कब आए हम बोले बहुत पहले आए थे आपके बाउंसर उठा के उधर रख दिया हमने उनसे पूछा कि ये क्यों रखे हैं यहाँ पे ये लोग बताइए हमको मिलने नहीं दे रहे हैं हाँ बोले बाबू भौकाल अभी तो पताल से चुनाव लड़ रहे हैं अभी पता कि नहीं हाँ नहीं अभी उनको पूछे लोग अभी उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया अच्छा जी पूछे लोग कि आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे बोले बाबू हर हर महादेव पाताल से लड़ब जीत जाए बाबू सारे सीट अनाउंस हो गए अच्छा रवि भैया का अभी तक खोज हो रहा है कि पाताल में कहाँ दिया जाए ओह माय गॉड कमाल के यार इतने इनके इतने मजेदार किस्से जी चाहता कि सुनते रहे बैठ के अच्छा मैंने आपसे आज ये सवाल पूछा नहीं आपने आप बॉलीवुड फिल्में भी देखते होंगे आप बॉलीवुड में किसके फैन हैं ये सवाल मेरा आप चारों से है मैं गोविंदा जी का हूँ अच्छा जी वाह क्या बात है मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ गोविंदा सर का लव यू सर आप सर अमित जी का अमित जी के अच्छे वाह और आप सलमान खान अपने अपने बांटे हैं सबने और आप अब तक चेंज नहीं हुआ है बचपन से उन्हीं को देखती आ रही हूँ माधुरी दीक्षित जी वाह क्या बात आपकी फेवरेट हीरोइन बताइए मेरी वाइफ वाह 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 देखो वाह क्या बात है ये बंदा पॉलिटिक्स में जाएगा नहीं नहीं पक्का नहीं इसलिए कि मेरा एज 17 बरस का था तो मुझे प्यार का ये पता नहीं था अच्छा तो जब वो आई तो मुझे प्यार करना सिखाया उसने अच्छा और उस समय मैं हीरो नहीं था तो मेरी हीरोइन वही थी इसीलिए आज तक मेरी फेवरेट है क्या मेरी नहीं कपिल कुछ सीख मैं सीख रहा हूँ आप मेरे घर में कलेश क्यों डाल रहे हो मैं भी बहुत प्यार करता हूँ ऐसी बात नहीं है चलिए मैं आपके चलो मैं आपके यहाँ पे जो इतने सारे फैंस हैं ये आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं जी हम निरहो भैया से प्रणाम करते हैं प्रणाम भैया प्रणाम प्रणाम हमारा नाम हरशंकर पांडे है हम सुल्तानपुर से हैं जय हो हम आपके गाना बहुत प्यार से सुनी था हमेशा उस पर ध्यान दे थे
निरहुआ रहा बीमार सटल रहा है। इनका बहुत बड़ा हिट सॉन्ग है सर, वो ऐसा एल्बम था जी कि मैं उस समय कलकत्ता से पढ़ाई करके आया था अपने गांव। अच्छा जी। और गांव को पहले भी आता था, देखता था, मैंने बदलते हुए देखा। अच्छा जी। बदलते हुए परिवेश को देखा कि पहले क्या होता था हमारे गांव में नॉर्मली जी, कि अगर किसी लड़के की शादी हो गई, तो शादी हो गई, सब घर परिवार के लोग हैं, तो वो उसको अपनी बीवी से ही मिलना है, पर पूरा घर सो जाएगा उसके बाद, उसके बाद छुप के पीछे कहीं से सीढ़ी उड़ी लगा के छत से चढ़ के उसको कैसे कैसे पहुंचना पड़ता था। अरे बाप रे। अच्छा जी। ऐसा इसलिए कि जो हमारे जो पुराने लोग थे उनका मानना ये था कि नहीं नहीं अभी लड़का पहलवानी कर रहा है और मैं तो खटिया जो है दरवाजे पे ही बिछा के सोऊंगा। और ये सच घटना है मैम, मेरा ही दोस्त था राजेश। हाँ। उसकी शादी हो गई, उसके पिताजी लाठी लेके और घर के बाहर बैठे, उसके बाद रात को हम लोग गए उसके घर के पीछे सीढ़ी लगाए और बोले चढ़ बेटा तू, वो चढ़ने लगा घर के ऊपर, तब तक उसके पिताजी को डाउट हुआ, लाठी लेके आ गए। अच्छा। तो वो तो छत पे पहुंच चुका था। हाँ। ये लोग सीढ़ी, अब हमको प्रवेश को दे लाठी जो मारा है। और बोले उतर, बोला अब ना उतर। कूद गया सर। तो ऐसे में उस समय ऐसा गाना होता था जो मेरे भैया गाते थे। अच्छा जी। सब लोगों को खाना पीना खिला के 9 बजे तक अपने अपने रूम में सबको सुला देना और कहीं ऐसा हो कि सबका इंतजार करने में मैं भी सो गया। ये तो था उस समय सर। अच्छा जी। कट टू 2003 में जब मैं आया जी, पूरा परिवेश बदला हुआ है। अच्छा जी। मतलब जो लोग जुगाड़ लगा के घर के पीछे से चढ़ते थे, अब जो नए लड़कों की शादी हो रही थी हाँ जी, वो घर में ही बैठ के खा रहे हैं। अच्छा जी। सब किसी से फर्क नहीं है। अच्छा जी। और दोस्त लोग पूछ रहे हैं वो है कहाँ, तो पता चला उसकी शादी हो गई, वो तो घर में ही है, वो आ ही नहीं रहा है, बिजी है, बिजी है। मैं बोला ये तो बहुत बड़ा बदलाव आ गया समाज में, बिजी है। फिर मैंने ये गाना बनाया। अच्छा। जोरदार ताली हो जाए निरहुआ के लिए। और कोई हमारे मित्र? जी जी। मेरा नाम अल्तमश अहमद है। मेरा क्वेश्चन कहाँ से अल्तमश आप? आई एम फ्रॉम लोनावला। अच्छा। मेरा क्वेश्चन रानी मैम से जी। रानी मैम, मैंने देखा है बहुत सारे सिंगर्स एक्टर्स बन गए हैं और आप पहली ऐसी फीमेल हो जो एक्टर से सिंगर बन रही हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ हमारे लिए, ऑडियंस के लिए एक अच्छा सा संगीत सुना दें। सुनाइए, डरिए मत। जो आपका मन करे। ठीक है, मैं आपके लिए गा रही हूँ। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। कैन आई सिंग फॉर यू? हाँ जी, श्योर श्योर। मैं आ सकता हूँ? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। मेन मुद्दे की बात पे अब आया है, अपना मन कर रहा था गाने को। बहुत चलाक हो अल्तमश आप। दिस इज फॉर यू मैम। ऐसे कैसे हमारे मेहमानों को क्या करके दिखा देगा? कैसन ऐसन कैसन ऐसन कैसन टक टक देखत रहे हैं, पकड़ का लठवा तो का पेल दे है बता रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। तुम करबा काय नहीं कर सर, ये सब मैं आप ही से सीखा हूं सर। यू आर माय इंस्पिरेशन सर। चल झूठा कहीं का सर, मैंने ऐसा गाना कभी गाया नहीं जिस नहीं। बात का तुझे डर है वो करके दिखा दूंगा। ये तो सीधी सीधी धमकी हो गई ना। बहुत बहुत स्वीट है यार, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए आइए रानी। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हाय अमरपाली जी, हाय दिनेश सर, हाय रानी जी और खेसारी जी, तो हम एक ही माँ बाप के औलाद हैं। ऐसे कैसे? प्यारी है ना। अच्छा जी, मैं अजय कुमार बिहार से हूँ। अच्छा जी। और मैं खेसारी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, दिनेश भैया का हूँ बहुत बड़ा पहले, लेकिन वो पुराने हो गए, अभी नए में। तो इसलिए उनका हर गाना सुनता हूँ मैं, जितनी भी फिल्म रिलीज होती है, जो भी एल्बम्स आते हैं सभी देखता हूँ मैं। अच्छा। खेसारी भैया एक और चीज़ में बहुत बड़े फेमस है। अच्छा। लौंडा डांस में, जो हम लोग बिहार में लौंडा डांस होते हैं। अच्छा जी। जी मैं सुना हुआ, खुला खुला डांस जो होता है जी। तो मैं खेसारी भैया से आग्रह और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी ऑडियंस बैठे हुए हैं एक बार लौंडा डांस दिखा दीजिए और कपिल शर्मा शो पे ऐसा बवाल मचा दे, ऐसा बवाल मचा दे कि पूरी दुनिया में मान जाए कि बिहार का भी कोई औलाद है। आप भी आइए मंच पे, आप भी आइए।
क्या बात है खेसारी जी, क्या बात है। इस डांस के तो हम भी फैन हैं। यार ये ना वाओ, मैं इन सबसे प्यार हो गया, मतलब इतने प्यारे लोग और इतना मजेदार आपका टैलेंट है, क्या बात है। बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू डियर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खेसारी जी आप सबको एक मौका दें जी, पैसा जितने का। अरे बिल्कुल, आपके साथ खेला खेलेंगे कई भाईल करोड़पति। बिल्कुल खेलिए, तो लगाओ जरा के भाईल करोड़पति। तो देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस खेल में जिसका नाम है के भाईल करोड़पति। तो आज हमारे साथ हैं डायरेक्ट भोजपुरी सिनेमा से, जिनके अंदर है ढेर सारी एनर्जी, रानी चैटर्जी, जिन्हें देखकर यूपी बिहार में चल जाती है दुनाली, तो वेरी ब्यूटीफुल आम्रपाली, और द सुपरस्टार निरहुआ, और सब पर भारी एक बिहारी, प्लीज वेलकम खेसारी। और जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सपर्ट में हमारी बीवी तितली, तितली प्लीज से वाटर एंड से बिजली। तुम ना एक काम करो, जरा बल्ब ना कम इस्तेमाल किया करो यार, बहुत बिजली का बिल आता है। ये बल्ब बंद करने की बात तो मेरे से ना ही करो, बल्ब बंद करके जो घर में 11 जीरो वाट के बल्ब घूम रहे हैं ना, उसका क्या करें? बिजली बचाओ। वैसे एक बार जरा अपना ये सर ढक लो यार, तुम्हारे जेठ बैठे हैं यहाँ। है? आपने पहले क्यों नहीं बताया कि अर्चना जी मेरे जेठ लगते हैं? नमस्ते। अर्चना जी नहीं, निरहुआ जी जेठ लगते हैं। येलभा, तो मतलब निरहुआ जी मेरे जेठ, तो मतलब खेसारी जी फिर हमार देवर भाई ना। तुम ना यहाँ पे इतना ज्यादा रिश्ते मत बनाओ, वरना तुरंत ये लोग फिल्म बना लेते हैं। भैया गेल बाजार, भौजी संग देवर फरार, ये बना लेंगे। चलिए अब खेला शुरू कर देते हैं। हम लोग शुरू करिए, शुरू करिए। आए। चली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, तो और जिस आग से बारूद पैदा हो उसे मिथुन कहते हैं। ये तो अपना चंदू है। अरे वाह चंदू, तुम नकली मिथुनदा बने हो ना। अरे भाभी तुमने कैसे पहचान लिया? क्योंकि इतनी गंदी मिथुनदा की एक्टिंग तू ही कर सकता है। चलो नकली आदमी फट जाओ, हमें खेला शुरू करने दो। आ जाइए आ जाइए। और अब तेरी जात का बहरा मारू। अरे यार बोल, आज मारू या कल मारू? किसका बजा ये? किसका बजा? शिवा का बजा। ये है क्या? खैर अरे मेरा बज रहा है, मेरा बज रहा, बजने दो। रॉन्ग नंबर। अगर असली होता तो बजता रहता। खैर खेसारी जी, मुझको आपका गाना बहुत पसंद आया। कौन सा? अरे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। अरे गाना तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन कौन सा लगा ये तो बता दो यार। ठीक है। अरे गाने का नाम ठीक है झाड़े। यार आप ठीक है ही करते रहिए, हम खेला शुरू कर रहे हैं। अरे खेला आज हम होस्ट करेंगे भाई। अरे हाँ बस, नहीं तो आज दिनेश के लाल से तुम्हारा पिछवाड़ा ऐसा लाल करेंगे कि तुम भी बोलोगे क्या लाल है। उठो आज आज होस्ट करने दो। घर देवी और सजनों, गोल्डन शूज खेला के नियम इस प्रकार है। खामोश। तेरी ऐसी की तैसी, चल ठीक है तेरी वैसी की वैसी, चल ठीक है तेरी जैसी की जैसी, अरे तेरी वैसी की लैसी, अरे खा
खामोश हिम्मत है तो फोन उठा। चल फोक कहीं का फोन नहीं उठा रहा। जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं। ये जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनका भोजपुरी स्टार कहते हैं। इनका भोजपुरी स्टार कहते हैं तो तुम तीनों को खट्टी डकार कहते हैं। जैसे भुजी हुई सिगरेट चल नहीं सकती, वैसे तेरी मौत टल नहीं सकती। वाजीवा, अनाप चुनाप तो हमने बहुत बार सुना था, लेकिन इतना अच्छा अनाप चुनाप हमको तो कछु समझ नहीं आए। क्या बोल रहे हो? और यार बोल दिया, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो क्या? ठीक है, क्या बात? अभी तुमको देंगे दो घूसे दो लात। चलिए खेला शुरू करते, हटिए यहाँ से। अगर प्यार से कहते तो हम हट जाते। इधर वाह वाह वाह, कब्रिस्तान की चुड़ैल। आप खेला नहीं, आप कुल्फी का ठेला शुरू करिए। आए सुमन, खेला हमारे पति करेंगे। हाँ। क्योंकि वो लाइन में सबसे पहले आए थे। अरे जहाँ हम खड़े होते लाइन बाहर से शुरू होते, समझ में आया चपड़ गंजी? क्या बोले जा रहे हैं आप? ये बच्चन साहब का डायलॉग है। हाँ तो बच्चन साहब हमारे नेबर है, हमारे पड़ोसी है, हमारे मित्र है, हमारे उत्र है, हमारे हित्र है, और भी हमारे बहुत कुछ है। तो चलिए खेला की शुरुआत करते हैं। जी। तो सबसे पहले खेला के नियम आपको बता दे कि शाम आए तो कहना छेनू आया था। क्या? क्या बात, क्या बात, तेरी बात का दाल भात। तो पहले हम के भाई करोड़पति का नियम बता देते हैं। इसमें आपका मिलेगा 3 लाइफ लाइन। और तीन चार लाइफ लाइन होता है भाई। अच्छा, चौथा अंडर कंस्ट्रक्शन है। कार्य प्रगति पर है, कार्य विकास पर है, कार्य 30 पर है, कार 40 पर पीछे हट जाओ, कार 100 पर है। अरे कसम पैदा करने वाले की, क्या डायलॉग मारा आपने? अरे डायलॉग नहीं मारा, इधर कील चुभ गया है, इसको ठोको। अरे ठोको इसको। अब सिद्धू जी नहीं है तो कहां से ठोको यार। पूरी चाट का बैदा मारू? एक मिनट, वैसे मुझे आपसे पूछना है, आप दिन में कितने बैदे मार लेते हैं? क्या बोली चमड़ गंजी। खेला शुरू करने से पहले हम आपको खेला के बारे में कुछ बता देते हैं। तो सवाल हम पूछेंगे, जवाब आप बताएंगे, ठीक है? ठीक है। जवाब सही बताएंगे तो ढेर सारा इनाम पाएंगे, ठीक है? ठीक है। तो ठीक है कि साथ पहला सवाल रहा 1,00,000 रुपए का, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, सॉरी वो रहा। तो पहला सवाल जो है बहुत ही मजेदार है, स्वादिष्ट है, हरिष्ट है, पुष्ट है, हुष्ट है। तो भोजपुरी में एक गाना है, तहार चुम्मा विटामिन। तो इस गाने में जो विटामिन है वो कौन सा है? किसका गाना है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विटामिन ले, ऑप्शन बी विटामिन दे, ऑप्शन सी विटामिन ले विटामिन दे, और ऑप्शन डी विटामिन कोई नहीं देगा, खुद ही ले खुद ही दे। बताइए। सबसे पहले तो आप लोगों को सल्यूट करना पड़ेगा यार, हमारे दूध में उतना विटामिन नहीं होता जितना इनका चुम्मा चाटी में निकल आता है। ऐसा विटामिन तो हम भी लेना चाहेंगे। अच्छा जी, लेके तो देखो चुम्मा, आपका चुम्मा ही ना तोड़ दिया ना तो फिर कहना। भैया आप जाते जाते इनका एक बार बैदा क्यों नहीं मर जाते? बहुत पूरी सिनेमा की एक बात है। हाँ, इनके तो लहंगे में भी ऐसी होता है। क्या बात, तेरे ऐसी की तैसी। मेरे लहंगे में दोबारा, अगर लहंगे के बारे में कुछ बोल दिया, तेरे लहंगे का बना दूंगा घाघरा, भेज दूंगा तुझे आगरा, आगरा का डाबरा। तो आप जवाब दीजिए, आप फोन फ्रेंड कर सकते हैं, अपने फ्रेंड मनोज तिवारी को फोन लगा सकते हैं। तो फोन लगाते हैं मनोज तिवारी को। मनोज तिवारी बड़ी मात्रा ई। तो मनोज तिवारी को फोन लगा रहे हैं और जवाब दे रहे हैं रिंकिया के पापा।
हे रिंकिया के पापा थोड़ा चुनाव में बिजी है वो कह रहे हैं कि इनका जवाब इनको ही देना पड़ेगा उनको खुद ना नहीं आता है आप जवाब दीजिए आम्रपाली जी आई थिंक विटामिन ले दे सब छोड़ दे खुद ही ले दे वो क्या था फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन डी डी भैंस के दूध में लग जाए खट्टा तो बनता है दही आपका जवाब है बिल्कुल सही गुड गुड पैसा आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए अकाउंट नंबर लीजिए ना मोबाइल नंबर क्यों ले रहे हैं मैं मांगू एसी नंबर मैं मांगू अकाउंट नंबर बीच में बोला तो घूसा मार के कर दूंगा पेट अंदर ठीक है इतना आसानी से पेट अंदर होता है तो मार लो यार सितंबर के बाद आता है अक्टूबर और अक्टूबर के बाद आता है नवंबर चुम्मा मांग लेना चाहिए अगर लड़की हो सुंदर क्या वाह वाह तुम तो रहना ही दो छचुंदर अगर मुंह लाल करना है तो अगर मुंह लाल करना तो खाओ गाजर और चकुंदर ठीक है ठीक है खामोश जाड़ी तो रानी आपकी एक फिल्म आई थी साली बड़ा सतावेली तो साली इतना क्यों सता रही है क्या गम है जिसको छुपा रही है क्या बात क्या बात फालतू बात फालतू बात खैर भोजपुरी में एक और फिल्म आई थी देवर बड़ा सतावेल थी सतावेला सतावेला देवर बड़ा सतावेला सच्ची यार ये देवर बहुत सताते हैं भगवान का शुक्र करो कि हमार कोई देवर नहीं है वरना अगर हमको सताता ना तो रोज हमसे पिटता तेरे देवर की माँ का जेवर हमको पसंद है घेवर देखो मेरा तेवर है इसमें है वनीला फ्लेवर वाह ये क्या कर रही हो तुम अरे एक्चुअली इधर डांस अलाउड नहीं था बाद में अलाउड होगा तो फिर मेरा भी रुक नहीं पाया निकल गया ए चपड़ गंजी शत्रुघ्न सिन्हा से माला सिन्हा वाले ठुमके लगवा दिए चलो खेला शुरू करते हैं क्या बात बकवास बंद कीजिए हजरत अगला सवाल 2 लाख रुपए के लिए आपके सामने ये रहा कहाँ रहा इधर रहा तो आपका सवाल रहा ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने 2 लाख रुपए के लिए माई के लाल में जो लाल है हाँ? वो कौन सा लाल है आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लाल दुपट्टे वाला लाल ऑप्शन बी लाला 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 अमिताभ बच्चन के गाने के पहले वाला लाल ऑप्शन सी लाल टेन वाला लाल या ऑप्शन डी खेसारी लाल और दिनेश लाल वाला लाल ओए साला क्या यार मेरी फिल्म दलाल का लाल क्यों नहीं लगाया उसको क्या पीलिया हो गया था बैठ जाइए दादा बैठ जाइए कोई बात नहीं इसका जवाब तितली देगी इसको बड़ा शौक है फिल्मों का तितली बताओ ए तेरी तितली की सुतली बताओ कौन सा ऑप्शन सही है मुझे लगता है ऑप्शन सी लालटेन वाला लाल अरे नहीं 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 तितली हमारे लाल 10 थोड़ी हैं हमारे तो लाल 11 है हमारे बच्चे हैं 11 आप दोनों बहुत खूबसूरत है जो भी आप जवाब देंगे माई का लाल माई का प्रसाद समझ कर रख लेंगे हाँ जिस तरह से सब चल रहा है यूपी बिहार के लाल तो यही दोनों है तो ऑप्शन डी होना चाहिए बहुत सही जवाब आपने बिल्कुल सही जवाब दिया आपको मिलता है मेरे साथ डिनर करने का मौका तो आप यही खाएंगे कि घर पे लेके जाएंगे तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ तो रानी जी क्या टेल मी हाउ मच यू लव मी ओए कसम पैदा करने वाले की
एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ। रानी जी, कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया। आपकी एक फिल्म आई थी रानी बनल ज्वाला, तो रानी ज्वाला कैसे बनी? हमें लगता है कि वो दूध को ज्वाला देकर उसका उबाला निकाल रही होंगी। I think maybe। एकदम सही। आज तुम आदमी हो क्या झंडू? कल संडू था, आज मंडू है। कल संडू था, आज मंडू है, जो तू कर रहा है बहुत ही गंदू है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 10 लाख रुपए के लिए। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, सॉरी ये रहा। तो सवाल ये है, भोजपुरी में कौन सा पुरी है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पानीपुरी, पानीपुरी, ऑप्शन बी रामपुरी, ऑप्शन सी हलवापुरी, और ऑप्शन डी कोल्हापुरी। और भी है पुरी 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 के पुरी। आइए कौन सा पुरी? हम लोगों के भोजपुरी में शिवपुरी। वाह, बहुत ही सही जवाब। और आपका इतना खूबसूरत जवाब देने से हम खुश हुए। इस एवज में आपको मिलता है हमसे 1 घंटा 40 मिनट का हग। यार आप थोड़ा हगना हगाना छोड़ दीजिए, अभी रुक जाइए। हम एक बात कहना चाहेंगे कि हमने देखा है कि भोजपुरी फिल्मों में बा बहुत लगता है, तो हमने भी क्या बा के ऊपर एक पोइट्री लिखी है। ओ, क्या बात। अगर मौका दे तो हम सुना दें। सुनाई सुनाई सुनाई। बा बा ब्लैक सिप। वाह। हैव यू एनी वुल बा? वाह। मीटर चालू बा बत्ती गुल बा। वाह। लड़की ब्यूटीफुल बा कर गई चुलबा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तेरे बाबा का ठुलबा, तेरे रवि का किशनबा, तेरे मनोज का तिवारी। अरे तमीज से बात कर लीजिए, हमसे भैंस उठा के मारेंगे आप। आपको भैंस बोला। ओए, आप चाहे तो इस पर गोबर कर सकती है। तेरे बदे की जात मारू, क्या बोल रहा है तू? अरे तू आदमी है क्या पंटू भी है? अरे कसम पैदा करने वाले की। अरे कसम ना पैदा करने वाले की, क्या प्रॉब्लम है? खामोश, इतना बोल रहे हो, नाश्ते में क्या खाया था? शाम आए तो कहना छेनू आया था। आप अपने शाम को खुद क्यों नहीं फोन करते कि छेनू आ रहा है? हम क्यों बोले? तेरे आप का सांप। तुम दोनों हो बच्चे, हम है तुम्हारे बाप। अगर कोई बीच में बोला तो खींच के देखे कंटा। अप अप अप। I think now everybody set up. Oh God. इससे पहले कि ये खेला झगड़े में प्रवर्तित हो जाए, जैसे तुम हाथी से आदमी में तब्दील हुए। हम समय समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं, खेला यहीं पे खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने ये खेला में हमारा साथ दिया। बहुत ही, आप कुछ नहीं जीते हैं, सारे पैसे हमारे हैं। आइए। हो गया खत्म, जल्दी करो, इनको पेड़ पे जाके सोना है। ये डायन है ना? हाँ, ऐसे उल्टा निकल जाएगा। आप ऐसा मत किया करें। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और आप लोग भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.